भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित, जो सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। ये पदक शत्रु के सामने अद्वितीय साहस और परम शूरता का परिचय देने पर दिया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी के बारे में। इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को तब के बिहार और वर्तमान के झारखंड राज्य में स्थित गुमला जिले के जरी गांव में हुआ था। दोस्तों, एक्का जी शुरुआत से ही फौज में जाने के इच्छुक थे। दिसंबर 1962 में उन्होंने सेना में प्रवेश कर बिहार रेजिमेंट में अपना कार्य शुरू किया। बाद में 14 गार्ड्स के गठन के समय अल्बर्ट एक्का जी को स्थानांतरित कर दिया गया और ट्रेनिंग के दौरान ही उनकी क्षमताओं और अनुशासन को देखते हुए उन्हें लांस नायक बना दिया गया। ये हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। दोस्तों, लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और 3 दिसंबर 1971 के दिन शत्रुओं से लोहा लेते हुए एक्का जी देश पर कुर्बान हो गए। दोस्तों, इस लड़ाई में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश का भी उदय हुआ था। युद्ध में अदम्य साहस और वीरता के लिए मरणोपरांत लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी को सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, ये 12वें भारतीय हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया था। टीम मिक्स्ड माइंड की ओर से हम ऐसे वीर भारतीय सैनिकों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।